आज हम लोग नेकलेस रूल देखेंगे, जिसमें हम लोग LMP से EDD कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। LMP क्या होता है? तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, और जो EDD होता है वो मेरा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, कि डिलीवरी मेरा कब कौन से डेट पे डिलीवरी होगा। और जो LMP है वो बताता है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जिस दिन स्टार्ट होता है वो मेरा LMP होता है। तो अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल देखेंगे, 22 अप्रैल 2012 को एक लड़की है जिसका कि मेंसेस स्टार्ट हुआ है, और अगर उसका साइकिल 28 डेज़ का है तो इसमें हम लोग ये फार्मूला को डालेंगे, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज़, जो कि 28 डेज़ के लिए, ये 28 डेज़ का साइकिल के लिए होता है। तो अगर ये एग्जांपल में हम लोग 22 में पहले हम लोग 7 को ऐड करेंगे दिन, तो अगर 22 में 7 ऐड करेंगे तो 29, फिर जो मंथ होता है उसमें हम लोग 9 मंथ को ऐड करेंगे। तो अप्रैल से अगर 9 मंथ देखेंगे तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो जनवरी, और अगर 22 है तो फिर ये एक साल बढ़ जाएगा 2023। अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे, वो भी अगर 28 दिन का साइकिल चल रहा है पीरियड्स का, और उसका एग्जांपल अगर किसी फीमेल को 25 जुलाई 2023 को अगर फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट हो रहा है उसका, तो अगर 25 जो जुलाई है, 25 में हम लोग 7 डेज़ को ऐड करेंगे तो मेरा 1 होगा, फिर जुलाई, जुलाई में 9 मंथ को ऐड करेंगे तो अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च अप्रैल, तो यहाँ पे अप्रैल होगा। और क्योंकि ये मेरा 1 बढ़ चुका है नेक्स्ट मंथ में, तो ये भी मई हो जाएगा। और हमेशा याद, जो जून जुलाई जो भी मंथ्स होता है उसका हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि वो 31 डेज़ का है या फिर 30 डेज़ का है। तो जैसे 25 तो 26 27 28 29 30 1 2 नहीं होगा, क्योंकि जो जुलाई है वो मेरा 31 डेज़ का होता है, इसीलिए 26 27 28 29 30 31 एंड देन 1। और ये अप्रैल ना हो के मई, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मई होगा, फिर 23 से 24 में हम लोग आ जाएंगे। ये 28 डेज़ के साइकिल के लिए होता है। अगर तीसरा एग्जांपल लेंगे जिसका जिसमें हम लोग हमारा जो साइकिल होता है मेंसेस का वो 30 डेज़ का साइकिल हो रहा है, और उसका एग्जांपल अगर किसी फीमेल को 1 मई 2019 को अगर पहला पीरियड का डेट स्टार्ट हो रहा है, तो अगर 1 में हम लोग 7 दिन ऐड करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आया। मई में हम लोग फिर मंथ को 9 मंथ ऐड करेंगे तो फेब आएगा, फिर 2019 से हम लोग 2020 में आ जाएंगे। ये 28 दिन के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 28 डेज़ का साइकिल के लिए तो इतना होगा। तो यहाँ पे हम लोग, हमारा 28 तो नहीं है, हमारा 30 डेज़ का साइकिल है। तो ये साइकिल कितने डेज़ इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब नॉर्मल जो 28 होता है उससे 2 दिन ये इंक्रीज़ है। तो यहाँ पे 2 दिन हम लोग डेट में ऐड कर देंगे, तो 8 नॉट 10, तो आंसर होगा 10 फेब 2020।